बंद को कई राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। किसान संगठनों का बंद सुबह 6 बजे से लेकर आज शाम 4 बजे तक रहने वाला है और किसानों के भारत बंद के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में यातायात खासा प्रभावित हो रहा है। ट्रैफिक पर भारी जाम लगा हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और हरियाणा के सोनीपत की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के गन्नौर स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट के सामने किसानों ने नेशनल हाईवे 44 जाम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट में ही किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है, तो वहीं चंडीगढ़ से दिल्ली रास्ते पर पत्थर लगा दिए गए हैं। ऐसे में जो खामियाजा है वो आम लोगों को जरूर भुगतना पड़ रहा है, काफी ज्यादा परेशानी, काफी ज्यादा दिक्कतें। भारत बंद क्योंकि बुलाया गया है किसानों की ओर से, पिछले 10 महीनों से लगातार किसान डटे हुए हैं, राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और लगातार सरकार से जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में इस समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकला है। और ऐसे में लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं बीते 10 महीनों के अंदर, जब भारत बंद का आह्वान और यातायात प्रभावित होना, इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, लंबे जाम भी लगे हैं, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और आज भारत बंद जो बुलाया गया है किसानों की ओर से, उसके तहत काफी ज्यादा परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत की कुछ तस्वीरें, सिरसा, हिसार, कैथल और यमुनानगर, जहां पर भारत बंद को लेकर ये आलम, ये तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, हर जगह भारत बंद के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस की भी जगह जगह पर तैनाती की गई है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की भी पूरी कोशिश है, कुछ एक इलाके पूरी तरह से सुनसान, तो हाईवे जो है वो इस वक्त ट्रैफिक से लबालब जाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम लोग जो कि बसों में सवार होकर या फिर अपने वाहनों में सवार होकर अपने गंतव्य तक जाने की कोशिश में हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर काफी देरी से पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगभग हर एक इलाके को किसानों ने चारों तरफ से फिलहाल बंद कर दिया है, जाम लगा दिया है। वहां पर वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा प्रभावित इस वजह से हो रही है किसानों के भारत बंद को। हालांकि कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी और इसे लेकर कई तरह की सियासी बयानबाजियां और टिप्पणियां भी देखने और सुनने को मिल रही हैं इस बीच, लेकिन जो आज की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, सुबह 6 बजे से किसानों ने भारत बंद बुलाया है और आज शाम 4 बजे तक यही तस्वीर देखने को मिलेगी। तो किसान आंदोलन के चलते दिल्ली, यूपी और हरियाणा की सीमाओं से लगती सड़कों के बंद होने के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले पर सुनवाई करेगा। हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राज्य और नेशनल हाईवे से जाम हटाने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि किसान सार्वजनिक स्थानों पर आंदोलन के मुद्दे को हल करने के लिए गठित पैनल से नहीं मिले। किसानों के लंबे आंदोलन के कारण आम जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को सड़कों से हटाने के लिए उन्हें मनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के लंबे आंदोलन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, किसानों को सड़कों से हटाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए प्रयास जारी है। तो सड़क बंद होने के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया है, जिसे लेकर आज ही मामले पर सुनवाई भी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ फिलहाल अपडेट इसे लेकर, अब हलफनामा दायर किया गया, इसे लेकर सुनवाई भी होनी है? जी बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन को लेकर जो तमाम सड़कें बंद है उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था, इस संदर्भ में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राज्य और नेशनल हाईवे से जाम हटाने के लिए मनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। राज्य सरकार ने ये भी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि किसान सार्वजनिक स्थलों पर आंदोलन के मुद्दे को हल करने के लिए गठित पैनल से नहीं मिले हैं, यानी कि सरकार का ये कहना है कि सरकार की ओर से जो है लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो पैनल जो पैनल है उनके सामने नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते ये फिलहाल जो मसला है उसका समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार,
के अलावा दिल्ली और हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया था, और इसी संदर्भ में हरियाणा सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब आया है, और अब से थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में वो सड़कों को जाम, खासकर जो बॉर्डर पे जो तमाम सड़कें बंद हैं उनको खुलवाने की मांग है सुप्रीम कोर्ट में, तो आज बेहद अहम है, क्योंकि पिछली सुनवाई में आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि इस पूरे मसले पर वो बातचीत से मामले का समाधान निकलना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी पिछले सुनवाई में आई थी वो बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान जो है वो जरूरी है, तो देखना आज बेहद अहम होगा कि हरियाणा सरकार के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ जो है अपनी बातें कहता है, क्या कुछ आदेश देता है। बहुत शुक्रिया आपका सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो काफी अहम होगी ये सुनवाई, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा सरकार की ओर से यह हलफनामा दायर किया गया है, किसानों को सड़कों से हटाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए जो लगातार कोशिशें जारी हैं, उस बीच आज ये सुनवाई। और किसानों के भारत बंद के मद्देनजर पुलिस ने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी थी। हालांकि चेकिंग के बाद हालात यहां पर सामान्य हो गए हैं। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर जो लंबा जाम लगा था वो भी अब खुल चुका है। दिल्ली पुलिस की संदिग्ध वाहनों पर हालांकि नजर अभी भी बरकरार है। तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जो जाम लगा था वो फिलहाल खुल चुका है, क्योंकि पुलिस भी मौके पर वहां पर तैनात थी और स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। संदिग्ध वाहनों पर हालांकि पैनी नजर रखी जा रही है और स्ट्रिक्ट चेकिंग यहां पर की जा रही है। तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीरें, हालांकि ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब यहां पर काफी ज्यादा जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक जाम की स्थिति यहां पर पैदा हो गई थी, लेकिन अब यहां पर फिलहाल जो है वो तस्वीर बदल गई है, क्योंकि पुलिस भी वहां पर मौके पर तैनात थी और इस जाम को फिलहाल खुलवा दिया गया है। बंद के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त यदि आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरह से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं कि किसी तरह से कोई अनहोनी ना हो। किसी तरह से जो किसान लगातार कह रहे थे कि वो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी इसे बंद करेंगे, वाहन यहाँ रोकेंगे, जाम लगाएंगे, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पुख्ता प्रबंध किए गए। हालांकि सुबह ज़रूर बैरिकेडिंग कर यहाँ चेकिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जाम की थोड़ी सी स्थिति उत्पन्न हुई तो उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरह से जो प्रबंध हैं वो पुख्ता किए गए थे, लेकिन पूरी तरह से यहाँ जो बैरिकेडिंग है उसको हटाया गया, और उसके बाद ही पूरी तरह से कोशिश यही की गई कि फिलहाल पूरी तरह से जाम स्मूथ हो सके, और दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरह से बैरिकेडिंग को फिलहाल हटा दिया गया है, और प्रत्येक वाहन पर भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो और जो किसान के रूप में कोई शरारती तत्व दिल्ली में एंट्री ना करे। फिलहाल कोशिश यही है कि जिस तरह से जो भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था और उसमें किसान यहाँ ना पहुँचे और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। और बड़ी खबर, इस बीच किसानों के भारत बंद के दौरान सोनीपत रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जब किसान रेलगाड़ियों पर रेलवे को रोकने के लिए पहुंचे तब उसी वक्त ट्रेन आ गई, और तब बड़ी तेजी से पुलिस ने किसानों को हटाने का प्रयास किया, तो वहीं सही वक्त पर ड्राइवर ने भी ट्रेन को रोककर एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया है। तो वहीं किसानों ने ट्रेन रुकने के बाद सामने खड़े होकर जमकर नारेबाजी भी की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, रेल भी लाइन में किसी भी कीमत पर किसी को नहीं आने दिया जाएगा। कम से कम 50 आदमी है इस स्टेशन पे, और बाकी 4-4 आदमी हर स्टेशन में लगाएंगे। और भारत बंद के चलते कुरुक्षेत्र बस अड्डा पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहा है। बसें यहां वहां जाम में फंसने से यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाने से परेशान हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि सरकार और किसानों में तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रोड ब्लॉक करना समस्या का हल नहीं।
उधर कुरुक्षेत्र में भारत बंद के दौरान महिलाएं भी काफी सक्रिय नजर आई हैं। कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर महिलाओं ने सड़क जाम किया, धरने पर बैठ गई। आंदोलनकारी महिलाओं ने कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। ਆ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਾਰਮ ਕਮੋਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। किसानों के भारत बंद को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, हिमाचल की जनता समझदार है, हिमाचल में इस तरह का कोई भी असर नहीं दिख रहा। सीपीएम के कुछ लोगों ने रास्ता रोकने का कोई कार्यक्रम बनाया है, इसके अतिरिक्त कहीं भी अभी तक हमको सूचना नहीं है कि इस बंद का कोई असर हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के लोग शांति प्रिय हैं, सारी बातों को समझते हैं, और किसानों के हित के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो उनके दिल दिमाग में है, तो ऐसे में वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। सर, बॉर्डर से बाहर बसेस नहीं जा रही हैं क्या? देखिए, वो सारी चीज़ को लिए इसलिए एहतियात के तौर पर कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। चलिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।